नमस्कार, आप देख रहे हैं अलख हरियाणा। अब नजर डालते हैं हरियाणा की दिन भर की सुर्खियों पर। आप नेता निर्मल सिंह और चित्रा सरवारा सहित अनेक नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की है। गत दिनों आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हरियाणा के बड़े नेता और चार बार के पूर्व विधायक व कैबिनेट मंत्री रहे चौधरी निर्मल सिंह ने आखिरकार कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष रही उनकी बेटी चित्रा सरवारा ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। दिल्ली में AICC कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में इन्होंने आम आदमी पार्टी के अनेक पदाधिकारियों सहित कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इस अवसर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस अध्यक्ष सहित अनेक बड़े नेता उपस्थित रहे। हरियाणा में मनोहर सरकार ने आशा वर्कर, HKRN तथा NHM कर्मियों को दी नव वर्ष की सौगात। आपको बता दें कि नव वर्ष पर मुख्यमंत्री ने आशा वर्कर, HKRN तथा NHM कर्मियों को भी आयुष्मान व चिरायु योजना में लाकर उनको नए साल का मनोहर तोहफा दिया है। इस योजना का लाभ 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाली श्रेणियां ही उठा सकती हैं। इच्छुक लाभार्थी आयुष्मान चिरायु कार्ड बनवाने के लिए अपने निकटतम नागरिक सेवा केंद्रों या सार्वजनिक अस्पतालों में करवा सकते हैं। इनेलो नेता दिलबाग सिंह के घर मिला कुबेर का खजाना, नोट गिनते थकी ईडी, जब्त किए विदेशी हथियार। ईडी ने अवैध माइनिंग को लेकर इनेलो नेता और पूर्व विधायक दिलबाग सिंह सहित कई नेताओं के यहाँ छापेमारी की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस छापेमारी में दिलबाग सिंह के कई ठिकानों से अब तक 5 करोड़ रुपए का कैश मिल चुका है और नोटों की गिनती अभी भी जारी है। इतना ही नहीं, दिलबाग सिंह के ठिकानों से विदेशी हथियार, 300 जिंदा कारतूस, 100 से अधिक महंगी शराब की बोतलें और कई किलोग्राम बुलियन सहित जमीनी संपत्ति के कागजात बरामद किए हैं। नोटों की गिनती अभी भी जारी है। हरियाणा की देवीलाल यूनिवर्सिटी में 500 छात्राओं ने छेड़छाड़ को लेकर लिखी गुमनाम चिट्ठी, प्रशासन में मची खलबली। हरियाणा के सिरसा में चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में कुलपति के नाम एक गुमनाम चिट्ठी मिली है। गुरुवार को मिली इस चिट्ठी में दावा किया गया है कि यूनिवर्सिटी के एक विभाग की 500 छात्राएं प्रोफेसर की अश्लील हरकतों से तंग आ चुकी है। यह चिट्ठी हरियाणा के CM, गवर्नर, गृहमंत्री, चांसलर और राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजने की बात भी कही गई है। चिट्ठी मिलने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया और पुलिस छात्राओं और आरोपी प्रोफेसर से पूछताछ कर रही है। हरियाणा में पूर्व क्रिकेटर जोगिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज हुई FIR, सुसाइड के लिए उकसाने का था मामला। एक सुसाइड केस को लेकर हरियाणा के पूर्व क्रिकेटर और DSP जोगिंदर शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। उन पर एक युवक को सुसाइड करने के लिए उकसाने का आरोप लगा है। परिजनों ने शिकायत में बताया कि आरोपी DSP मकान खाली करने को लेकर मृतक पर दबाव बनाता था। उन्होंने DSP की गिरफ्तारी की मांग की है। FIR में जोगिंदर शर्मा के अलावा 5 और लोगों के नाम भी शामिल हैं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब या फिर फॉलो नहीं किया है तो कृपया कर ले, ताकि हरियाणा की अपडेट आपको बिना किसी बाधा के मिलती रहे। धन्यवाद।